सिया और केशु को एक साथ देखकर इतना ज्यादा जेलस हो गया कि उसने सिया पर अपना हक जताने के लिए उसको किस कर दिया। सिया उसके ऐसे अचानक किस करने से रोने लगी। समर्थ ने उसे शांत करवाया और पृथ्वी के कहने पर सिया के साथ हॉस्पिटल से वापस हवेली जाने के लिए निकल गया। राठौड़ हवेली में पुष्कर अपने कमरे में था और नहाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और अपनी मूंछों को ताव दे रहा था कि तभी उसको छवि की याद आई। पुष्कर ने मन में कहा, मैंने एक बार फिर छवि का हालचाल नहीं पूछा, पर उसके पास तो फोन ही नहीं है। मैंने सत्या भाईसा को फोन करना चाहिए, भाईसा तो उसके पास ही होंगे। पुष्कर ने सत्या को फोन किया तो सामने से सत्या डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। उसके साथ माधव, छवि और पूर्णा भी बैठी हुई थी। नौकरानी खाना परोस रही थी और छवि की बकबक चालू थी। सब लोगों को छवि की बकबक से इरिटेशन हो रही थी, लेकिन फिर भी वो सब चुपचाप खाना खा रहे थे। सत्या ने अपने फोन पर पुष्कर का नंबर देखा तो उसने झट से फोन उठा लिया। सत्या ने कहा, हेलो के हुआ? पुष्कर ने सत्या से पूछा, हेलो भाईसा, क्या आप छवि के साथ हैं? वो कैसी है? क्या मैं उससे फोन पर बात कर सकता हूँ? पुष्कर की बात सुनकर सत्या को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और कहा, वो ठीक है, अब तू फोन रख। इतना कहकर सत्या ने फोन कट कर दिया। पुष्कर ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सत्या भाईसा भी ना हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहते हैं। पुष्कर ने माधव को फोन किया तो सामने से माधव ने कॉल पिक करते हुए कहा, जी ठाकुर साहब, बोलिए। पुष्कर ने माधव से भी वही बात बोली जो उसने सत्या से बोली थी। माधव ने मुस्कुराकर अपना फोन छवि को देते हुए कहा, छोरी, पुष्कर ठाकुर साहब थारे से बात करना चाहते हैं। छवि ने चहकते हुए कहा, ठाकुर साहब का फोन है? छवि ने माधव से फोन लिया और पुष्कर से बात करने लगी। सत्या को पुष्कर पर अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पुष्कर इतनी जल्दी एक लड़की के पीछे दीवाना हो गया था। सत्या ने पुष्कर पर कुड़ते हुए मन में कहा, ये पुष्कर भी बावड़ा हो गया है। छवि ने फोन पर पुष्कर के साथ अपनी बकबक करनी शुरू कर दी थी। छवि उठकर एक कोने में चली गई। माधव लाचारी से अपने फोन को देख रहा था। सत्या ने माधव को देखकर ही उसका हाल समझ लिया था। सत्या ने माधव से कहा, जब तक थारे फोन की बैटरी खत्म ना हो जाती तब तक थारे को फोन ना मिलेगा। अब फोन को भूल जाओ और खाना खा। माधव ने लाचारी से सिर झटक दिया और खाना खाने लगा। दूसरी ओर समर्थ सिया के साथ राठौड़ हवेली पहुंच गया था। सिया को देखकर सब उससे खुश होकर मिले। रेवती ने सिया का सर सहलाते हुए कहा, जा बेंदनी, अपने कमरे में जाकर नहा कर आराम कर ले। सिया और समर्थ अपने कमरे में चले गए। सिया नहाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। समर्थ बाथरूम में था। सिया के सामने सिंदूर की डिब्बी और राघव की दी हुई कटार रखी हुई थी। सिया के मन में समर्थ के धोखे वाली बात गूंज रही थी। सिया ने मन में खुद से कहा, क्या मैं समर्थ जी को धोखा दे रही हूँ? क्या मैं इनके साथ गलत कर रही हूँ? मुझे इन्हें सच बता देना चाहिए। मैं ज्यादा देर करूंगी तो बात बिगड़ जाएगी। सिया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। सिया ने फोन उठाया और बात करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद सिया का चेहरा सफेद पड़ गया और सिया बौखलाते हुए बोली, क्या वो अभी भी जिंदा है? सिया की आंखें बड़ी हो गई। सिया की नजर अपनी कटार पर जम गई। सिया ने मांग में सिंदूर लगाना जरूरी नहीं समझा और फोन कट कर दिया। कुछ देर सोच विचार करके कटार लेकर वो कमरे से बाहर निकल गई। सिया छत की ओर जा रही सीढ़ियों की ओर देखती है। सिया ने दुपट्टा सिर पर ओढ़ा और सीढ़ियों से छत की ओर चली गई। सिया छत पर गई और उसने किसी को फोन किया। सामने से कॉल पिक होने पर सिया ने कहा, हेलो सुदेश जी। सामने से सुदेश की आवाज आई, खमागणी हुकुमरानी सा। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, सुदेश जी, क्या आप किसी तेज प्रताप सिंह को जानते हैं? सामने से सुदेश ने बौखलाते हुए कहा, कुंवर तेज प्रताप? हाँ हुकुमरानी सा, वो तो हुकुम सा के चचेरे भाई सा यानी मेवाड़ के राजा सा के बेटे हैं। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्या बात है? सिया ने जवाब देते हुए कहा, सुदेश जी, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे काम है। सिया ने इतना बोलकर फोन कट कर दिया और सिया ने मुट्ठी भींचते हुए खुद से कहा,
हे राम जी, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? अब मुझे समर्थ जी के लिए प्यार का एहसास होने लगा है। मेरा आज खूबसूरत होने लगा है, पर मेरा अतीत मेरे आज को डसने लौट आया है। मैं अपने वर्तमान के बीच किसी को नहीं आने दे सकती, मेरी पहचान को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं वो सब कुछ छोड़ दूंगी जिस वजह से समर्थ जी मुझसे दूर हो सकते हैं। सिया की आंखें नम हो गई थी। उसकी आंखों से बह रहे आंसू की धारा साफ व्यक्त कर रही थी कि सिया समर्थ से प्यार करने लगी थी। लेकिन कोई था जिसकी वजह से उसे अपने एहसासों पर काबू करना पड़ रहा था। दूसरी ओर समर्थ बाथरूम से बाहर आया तो कमरे में सिया को ना पाकर उसे ढूंढते हुए बोला, ये चतुरी कटे गई। समर्थ अभी बोल ही रहा था कि तभी सिया कमरे में आ गई। सिया की आंखें लाल थी, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि सिया अभी अभी रोकर आई है। उसे देखकर समर्थ ने उस पर बिगड़ते हुए कहा, कटे गई थी? सिया ने सिर झुकाकर कहा, यही थी। समर्थ ने सिया की सूनी मांग देखकर मुंह बनाते हुए कहा, तू के मने मारना चाहती है? सिया ने आंखें बड़ी करके समर्थ को देखते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? समर्थ ने सिया को उसकी बाजू से पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा किया। सिया को समर्थ की हरकतें कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सवाल किया, क्या हुआ आपको? आप क्या कर रहे हैं? समर्थ ने सामने शीशे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देख, थारी मांग सूनी है। सूनी मांग किसकी होवे? एक विधवा की, पता है ना? समर्थ की बात सुनकर एक पल के लिए सिया की आंखों के सामने उसके अतीत की सारी यादें और वो लम्हे आ गए जो उसने राघव के साथ बिताए थे, जिससे वो घबरा गई और उसने घबराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समर्थ ने सिया को घबराया हुआ देखकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बी से एक चुटकी सिंदूर निकाला और उसे सिया की मांग में भरते हुए कहा, अब लग रही है तुम्हारी लुगाई सिया समर्थ सिंह राठौड़। ये सुनकर सिया झट से समर्थ के सीने से लिपट गई। समर्थ ने सिया की पीठ सहलाते हुए पूछा, के हुआ चतुरी, कि अब तू भी मारे पर हक जता रही है? अच्छी बात है, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे गले लग, मारे से लिपट, मैं थारे को नहीं रोकूंगा। पर यह सब तू किसी पराए मर्द के साथ करेगी, तुम्हारे से बुरा थारे लिए कोई नहीं होगा। समर्थ की बात सुनकर सिया ने समर्थ की ओर देखते हुए कहा, आपसे बुरा वैसे भी मेरे लिए कोई नहीं है। सिया की बात सुनकर समर्थ ने बौहें सिकुड़ते हुए कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मने छोड़ और मारे से दूर चली जा। सिया ने समर्थ पर अपनी पकड़ कसते हुए मन में कहा, मैं इनसे प्यार करने लगी हूँ, मैं अपना पहला प्यार उस हादसे में खो चुकी हूँ, इसलिए दूसरा प्यार नहीं खो सकती। और सिया ने फिर समर्थ से कहा, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। समर्थ ने सिया के गाल को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तू मने गुस्सा दिलाती है, तू मने गुस्सा मत दिलाया कर। सिया ने समर्थ को देखते हुए कहा, ठीक है, वैसे आपके पुष्कर भाई साहब और छवि की शादी के बारे में क्या सोचा है? क्या आप उन दोनों की शादी की बात ताऊसा से करेंगे? सिया की बात सुनकर समर्थ सिया को घूरते हुए बोला, वाह वाह चतुरी, अपने जिस देवर के लिए तू अपनी शादी तोड़ने वाली थी, इब अपने उसी देवर की शादी की बात कर रही है। सिया ने समर्थ से दूर जाते हुए कहा, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। समर्थ ने सिया के कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तू समझा तो सही चतुरी, मैं समझने के लिए तैयार बैठा हूँ। समर्थ की बात सुनकर सिया शर्मा गई। समर्थ ने सिया के गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू सच में घनी खूबसूरत है, थारे पर तो किसी का भी दिल आ जाए। सिया ने नजरें अभी भी शर्म से नीचे झुका रखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। समर्थ आगे कुछ बोलता उससे पहले समर्थ का फोन बजा। समर्थ ने सिया को छोड़ा और अपना फोन देखने लगा। सिया ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, किसका फोन है? समर्थ ने जवाब दिया, सत्या का। उसने कॉल पिक करके कहा, हेलो। सामने से सत्या की जगह माधव ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, ठाकुर साहब, मारा फोन दिलवाइए,
माधव ने पुष्कर और छवि के बारे में सब कुछ बताया तो समर्थ ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तो रुक माधव, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर समर्थ ने फोन कट कर दिया। सिया ने पूछा, क्या हुआ? समर्थ ने सिया को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, लाखन की छोरी और थारे पुष्कर देवरसा कुछ ज्यादा उत्सुक लग रहे हैं। 3 घंटे से लगातार बात कर रहे हैं फोन पर। समर्थ ने सिया को छवि और पुष्कर के बारे में बताया तो सिया जोर जोर से हंसने लगी। समर्थ ने सिया को हंसते हुए देखकर सिया की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसने मुंह बनाते हुए कहा, महारा भाई बावड़ा हो गया है और तने हंसी आ रही है, तने तो मैं अभी बताता हूँ। समर्थ की बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, देखिए मुझे छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। समर्थ ने सिया को बेड पर लेटाते हुए कहा, तू सब कुछ करने के बाद यही बोले हैं कि तने कुछ ना किया, अब मैं बहुत कुछ करूंगा और फिर बोलूंगा मने कुछ नहीं किया। इतना कहकर समर्थ ने सिया के दोनों हाथों को बेड से सटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। सिया डरी हुई थी लेकिन समर्थ के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। सिया ने डरते हुए पूछा, आप क्या करेंगे? समर्थ ने सिया को जवाब देते हुए कहा, वो ही जो तू सोच कर डर रही है। इतना कहकर समर्थ ने सिया के गर्दन पर अपने होठों को रख दिया जिससे सिया ने आंखें बंद कर ली और समर्थ के छुअन से सिहरने लगी थी। समर्थ और सिया प्यार के एहसास में डूब रहे थे लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके प्यार को किसी की नजर लग चुकी थी। राणावत के घर में लाखन के पकड़े जाने से राणावत गुस्से में था। उसने अपने एक आदमी का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, मने न पता कि तुम ये कैसे पता करोगे, पर मैंने ठाकुर समर्थ की लुगाई का सारा इतिहास जानना है। थारे पास 3 दिन का समय है, मने पता करके बताओ कि हुकुम सा को समर्थ की लुगाई कट्ठे से मिली और कौन है ये छोरी, समझा? सिया और समर्थ के बीच बढ़ रही है नजदीकियां। क्या होगा जब इन नजदीकियों के बीच आएगा सिया का अतीत? क्या राणावत पता कर पाएगा सिया का अतीत? क्या होगा जब सिया का अतीत सबके सामने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मारी चांद कवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया और समर्थ एक दूसरे के करीब आ रहे थे पर तभी सिया को किसी का फोन आया और उसको कुछ ऐसा पता चला जिससे सिया डर गई थी। उसे डर था कि कहीं समर्थ के सामने उसकी असली पहचान ना आ जाए। दूसरी ओर राणावत ने अपने आदमियों से बोला कि वो सिया के बारे में पता करे। राणावत के आदमी सिर झुकाकर खड़े हुए थे, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे एक गुंडे ने राणावत के गुस्से से भरी लाल आंखों को देखा उसने डरते हुए कहा, चिंता कोनी करो मालिक, हम लोग समर्थ ठाकुर साहब की पत्नी के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। राणावत ने उस आदमी से गुस्से में कहा, निकलो अब, मने ठाकुर समर्थ की लुगाई की सारी जानकारी ला कर दो। वो आदमी और उसके साथी हां में सिर हिलाकर घर से निकल गए। राठौड़ हवेली में समर्थ सिया के गर्दन पर किस कर रहा था और सिया बस समर्थ के प्यार को महसूस कर रही थी। लेकिन अचानक सिया को कुछ याद आया और उसने समर्थ को रोकते हुए कहा, अब बस कीजिए, मुझे काम करना है, मुझे तैयार होने दीजिए। सिया समर्थ से दूर होने लगी तो समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींच लिया। सिया समर्थ के सीने से जा गिरी जिससे सिया के चेहरे पर शर्म की लाली और मुस्कान थी। सिया ने समर्थ से दूर होने की फिर कोशिश की पर समर्थ ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी। सिया फिर से समर्थ के सीने से लग गई। समर्थ उसके चेहरे से बाल हटाते हुए बोला, मने छोड़कर भागना चाहे है चतुरी, तुम्हारे से दूर नहीं जा सकती। सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे छवि से मिलने पूना के घर जाना है, क्या मैं वहां भी नहीं जा सकती? समर्थ ने उसे छोड़ते हुए कहा, ठीक है चली जा, अपने साथ रूही को ले जाना और युग को बोल देना वो तुम दोनों को वहां छोड़ देगा। सिया ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, ठीक है। सिया बेड से उतरकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर साज श्रृंगार करके तैयार होने लगी।
समर्थ बेड पर बैठकर उसे ही निहार रहा था। सिया ने आज केसरी रंग का घाघरा चोली पहन रखा था जो उस पर हमेशा की तरह खूबसूरत लग रहा था। सिया का फोन बेड पर पड़ा हुआ था। सिया का ध्यान उसकी ओर नहीं था। सिया का फोन वाइब्रेट करने लगा। समर्थ ने सिया का फोन हाथ में लिया। समर्थ ने उसके फोन को देखते हुए मन में कहा, ये तो चतुरी का फोन है, इस पर तो केसी का फोन आ रहा है। समर्थ ने सिया को देखते हुए पूछा, ये केसी कौन है? ये थारे को फोन क्यों कर रहा है? समर्थ की बात सुनकर सिया ने उसकी ओर देखा तो समर्थ के हाथ में अपना फोन देखकर सिया की आंखें बड़ी हो गई। सिया फट से अपने फोन की ओर झपटी और समर्थ ने अपना हाथ ऊंचा कर लिया। समर्थ बेड पर से खड़ा हो गया और सिया का फोन ऊपर कर दिया। सिया उछल उछल कर अपना फोन लेने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे मेरा फोन दीजिए। समर्थ ने एटीट्यूड से कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। सिया ने उछल कर अपना फोन छीनने की कोशिश करते हुए कहा, फोन दीजिए ना। समर्थ ने फिर अकड़ कर कहा, पहले मारी बात का जवाब दे, ये कैसी कौन है? सिया ने हार मानकर जवाब देते हुए कहा, ठीक है बता देती हूँ, केसी और कोई नहीं बल्कि केशु है, मेरा दोस्त। उसका पूरा नाम केशव चौहान है। मैंने उसका शॉर्ट नेम लिखा है, के यानी केशव और सी मतलब चौहान। सिया का जवाब सुनकर समर्थ उसे आंखें छोटी करके घूरने लगा। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अब तो फोन दे दीजिए, यही बात है राम जी की कसम। समर्थ ने सिया की कमर पर एक हाथ रखकर उसे अपने सीने से सटा लिया। सिया का फोन अभी भी समर्थ के दूसरे हाथ में था जिसे उसने ऊपर उठा रखा था। सिया ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं, अब क्या हुआ? समर्थ ने सिया को देखते हुए कहा, तुम्हारे और थारे बीच किसी और को तो ना आने देगी। सिया ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, कभी नहीं, केशु मेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त। अब मुझे फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। समर्थ ने सिया के हाथ पर फोन रखते हुए कहा, ठीक है। सिया ने फोन लेते हुए कहा, मैं बात कर लूं? फिर समर्थ ने उसे छोड़ दिया तो सिया ने बालकनी में जाकर केशु का फोन उठा लिया। वो बोली, हेलो केशु, तुम कहाँ हो? केशु अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। केशु ने कहा, सिया मैं तुम्हारी हवेली में आ रहा था। सिया ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम क्या पागल हो केशु, तुम्हें पता है तुम अगर यहाँ आए तो क्या होगा? तुम्हें मैं पूर्णा के घर पर मिलूंगी, एड्रेस सेंड करती हूँ, वहाँ पहुँचो। केशु ने उसकी बात सुनकर कहा, सॉरी भूल गया था, ठीक है मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सिया ने कॉल कट कर दी। सिया कमरे में वापस आई तो समर्थ वहाँ नहीं था। सिया खुद से ही बोली, ये कहाँ गए? लगता है कि हर्ष भाईसा से मिलने निकल गए होंगे, अब मुझे पूर्णा के घर जाना चाहिए। सिया रूही को लेकर युग के साथ गाड़ी से पूर्णा के घर के लिए निकल गई। पूर्णा के घर में छवि फोन पर पुष्कर से बात करते हुए हॉल में टहल रही थी। पूर्णा, सत्या और माधव सोफे पर बैठे हुए उसे घूर रहे थे। उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था। वो लोग छवि से कुछ दूर बैठे हुए थे। पूर्णा ने मुंह बनाकर कहा, प्यार के अंधा होवे हैं या अंधा कर देवे हैं? सत्या ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ये तो प्यार करने के बाद ही पता चलेगा। पूर्णा ने उसको गुस्से में घूरते हुए कहा, थारे से पूछा के मैंने, क्यों मारी बात में घुस जावे हैं? इतना शौक है जवाब देने का तो यूपीएससी का एग्जाम दे, शायद तने नौकरी मिल जावे। सत्या ने मुंह बनाते हुए कहा, देख तू। माधव का ध्यान उन दोनों की तरफ नहीं था बल्कि उसका ध्यान तो छवि की तरफ था। सत्या आगे कुछ बोलता उससे पहले ही हॉल के गेट से सिया की आवाज आई, सत्या भाई सा आप दोनों फिर से शुरू हो गए? सिया की आवाज सुनकर सब ने उसकी ओर देखा। वहाँ सिया, युग और रूही खड़े थे। सत्या और पूर्णा एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे। सिया, युग और रूही उनके पास आए। रूही ने माधव से लिपटते हुए कहा, बापू सा आप 3 दिन से कहाँ थे, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। माधव अपनी बेटी का सिर सहलाकर उसको अपनी सिचुएशन समझाने लगा। वही युग ने आते ही कहा, वाह चुईया आते ही काकुसा से लिपट गई, झूठी कही कि एक बार भी तूने काकुसा को याद नहीं किया। रूही ने माधव से लिपटते हुए ही कहा, बापू सा ये चमगादड़ झूठ बोल रहा है, मुझे सच में आपकी याद आ रही थी। सिया ने आते ही कहा, युग रूही चुप रहो दोनों, तुम दोनों यहाँ पर भी एक दूसरे को चिढ़ाने लगे हो,
अब तुम दोनों कुछ मत बोलना। पूर्णा और सत्या भाई सा, आप भी चुपचाप बैठी रहिए। आप दोनों क्यों एक दूसरे से बहस कर रहे थे? और माधव भाई सा, आप बड़े हैं, आपने इन्हें शांत रहने के लिए क्यों नहीं कहा? माधव ने उसको जवाब देते हुए कहा, किस तरह कहता, एक बार बोलता तो चल जाता, लेकिन बार बार एक ही बात बोलता तो अच्छा ना लगता। ये लोग जब से आए हैं 25 बार झगड़ चुके हैं, हर छोटी बात पर बहस करने लगते हैं। माधव सिया से सत्या और पूर्णा की शिकायत कर रहा था, इसलिए वो दोनों माधव को गुस्से में घूर रहे थे। माधव की पूरी बात सुनने के बाद सिया ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे राम जी, तुम दोनों को इतना ही एक दूसरे से खुंदस है तो जाकर अखाड़े में एक दूसरे से भिड़कर अपनी खुंदस निकाल लो। सिया की बात सुनकर सत्या और पूर्णा सिया को आंखें बड़ी करके देखने लगे। सत्या ने सिया को देखते हुए मन में कहा, ये क्या बोल रही है भाभी सा, ये अखाड़े में भिड़ने की बात कर रही है? अखाड़े से ही तो ये सब शुरू हुआ था। ये पहलवान तो चावे ही ये है कि मैं अखाड़े में इसके साथ भिड़ूं। भाभी सा, आपने इसके मन की बात बोल दी। पूर्णा ने मन में कहा, वाह जी जी, तूने तुम्हारे मन की बात बोल दी। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये ठाकुर सत्या सिंह राठौड़ अखाड़े में मारे से भिड़े, फिर मैं इसको इसके धोखे का अच्छा सबक सिखाऊं। सिया बोल ही रही थी कि तभी छवि मुंह लटकाए वहां आई और आते ही माधव को फोन देते हुए बोली, काकू सा ये लीजिए, ठाकुर सा और हमारी बात पूरी भी नहीं हुई थी, ये बंद हो गया। माधव ने फोन लेते हुए कहा, कोई बात नहीं छोरी, मैं इसको चार्ज कर देता हूँ, फिर बात करना। सिया छवि को समझाते हुए बोली, छवि ऐसे उदास मत हो, अब तुम्हें सारी उम्र अपने ठाकुर सा से ही बात करनी है, थोड़ा सब्र रखो। समर्थ जी तुम्हारी शादी की बात थाउसा से करने गए हैं। सिया की बात सुनकर बाकी सब चौंक गए थे, तो वही छवि खुश होकर सिया के सीने से लिपट गई और बोली, सच में जीजी, मेरी शादी होगी, वो भी ठाकुर सा से? सिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, अब तुम ये सब छोड़ो और जाओ नहाकर अच्छे से कपड़े पहन लो। समर्थ जी मुझसे बोल रहे थे कि शादी की बात करते ही ताऊसा, बापूसा और काकूसा तुम्हें देखने आने वाले हैं। छवि बहुत ही खुश थी, इसलिए उसने चहकते हुए कहा, सच में जीजी, फिर तो मुझे अच्छे से कपड़े पहनकर अभी तैयार हो जाना चाहिए। छवि ने रूही और पूर्णा का हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों चलो, मुझे तैयार करो। छवि पूर्णा और रूही को लेकर वहां से चली गई। वो गई ही थी कि तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। सबका ध्यान उधर गया तो माधव ने कहा, लगता है हुकुम सा आ गए। सिया ने ना में सिर हिलाकर कहा, हुकुम सा नहीं, मेरा दोस्त आया होगा, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। सिया ने इतना कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने केशु खड़ा हुआ था। उसे देखकर सिया ने कहा, आ गए तुम? केशु झट से बोला, तुमने बुलाया था, आना तो था ही, अब चलो अंदर जाकर बात करते हैं। सिया ने ना में सिर हिलाकर कहा, अंदर नहीं, बाहर बगीचे में बैठकर बात करते हैं। सिया केशु को बगीचे में ले गई और वो दोनों बगीचे में बेंच पर बैठ गए। केशु परेशान लग रहा था। उसे देखकर सिया ने पूछा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम रणविजय को कुछ नहीं होने देंगे, हम उसे बचा लेंगे। केशु ने कहा, कैसे सिया, हम उसे कैसे बचाएंगे? राघव के भाई तेज प्रताप सिंह से पता नहीं रणविजय कैसा होगा, ऊपर से वो तुम्हारे बाबा सा की एक्स गर्लफ्रेंड एरिका, वो अभी जिंदा है। एरिका और डीआईजी सर का तो एक बेटा भी है, वो दोनों कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। सिया ने एरिका पर बिगड़ते हुए कहा, कि एरिका बेवकूफ मरती क्यों नहीं है, मेरे पूरे परिवार को खा गई फिर भी जिंदा है, इस बार तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। केशु ने सिया को समझाते हुए कहा, सिया, एरिका से तो हम फिर कभी निपट लेंगे, फिलहाल तो हमें रणविजय के बारे में सोचना चाहिए, वो तेज प्रताप की कैद में है, वो उसके साथ पता नहीं क्या करेगा। सिया ने सांस लेकर कहा, कुछ नहीं करेगा वो रणविजय के साथ, हम उसे रणविजय के साथ कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि वो जो मांग रहा है मैं उसे वो दे दूंगी, मैं उसे जैसलमेर की रियासत और उसके हिस्से की प्रॉपर्टी लौटा दूंगी। केशु ने सिया की बात सुनकर चौंकते हुए कहा, क्या सिया, तुम इतना बड़ा फैसला ले रही हो, पर क्यों? सिया ने झट से कहा, क्योंकि मैं समर्थ जी से दूर नहीं होना चाहती, मैं इनसे प्यार करने लगी हूँ, मैं अपने अतीत का साया अब अपने और इनके प्यार पर नहीं पड़ने देना चाहती। सिया की बात सुनकर केशु ने हैरानी से कहा,
क्या प्यार? तुम ठाकुर समर्थ सिंह राठौर से प्यार करने लगी हो? क्या सिया बचा पाएगी अपने और समर्थ के रिश्ते को अपने अतीत के साए से? कौन है रणविजय और एरिका, जानने के लिए सुनते रहिए हमारी चांद कवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।